हम कास्ट फैक्टर की बात कर लेते हैं, क्योंकि एसटी और एससी निर्णायक भूमिका में है चोमू में, तो आप कास्ट फैक्टर को कैसे संभालेंगी, क्या आपकी रणनीति रहेगी, क्या इस बार कास्ट फैक्टर को आप संभाल पाएंगी? क्योंकि सैनी जी की हम बात करें, आप ही के कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं, तो किस प्रकार से इस बार, क्योंकि व्यक्तित्व, क्योंकि हम जैसे ग्रामीण लोगों से मिले हैं तो उनका व्यक्तित्व का भी बहुत ज़्यादा फैक्टर होता है, तो इस बार आप किस तरह संभालेंगी? नहीं, मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि ये 100% कांग्रेस की सीट है। 60 से 65,000 एससी एसटी और माइनॉरिटी की वोट्स हमारे विधानसभा में हैं, और ये रूरल अर्बन सीट है, तो जो अर्बन का वोटर है हमेशा विकास के लिए वोट करेगा। तो 60-65,000 जो अर्बन का वोटर है वो ऐसा कैंडिडेट चाहता है जो यहाँ पे सुविधाएं ला सके। सो मुझे नहीं लगता है कि इतना कास्ट फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर करेगा। अगर रामलाल लिखी तो रामलाल जी के, उनकी कम्युनिटी के 3,500-4,000 वोटर्स हैं, फिर भी वो एमएलए बन जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि चोमू विधानसभा में कास्ट फैक्टर एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। मुझे लगता है इस बार चोमू की जनता ठान चुकी है कि वो परिवर्तन करना चाहती है, तो एक बेहतरीन कैंडिडेट अगर उनके सामने होगा जिसका विजन क्लियर है, जो जनता को समर्पित अर्पण कार्य करना चाहता है, वो कैंडिडेट को मुझे पूरा विश्वास है कि चोमू की जनता आशीर्वाद देगी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।